Friends, today I am going to discuss the syllabus of BSc First Year Geology Practical Course for the examination 2020-21. यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि the how marks is distributed for the different works allotted for the different questions, जो अलग अलग questions आपको दिए जाएंगे उसके किस किस question के लिए कौन कौन से marks, कितने marks allotted है। तो सबसे पहला question होगा dissection, major dissection। major dissection means उसमें जिसमें कि आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करनी होगी, ज़्यादा time देना होगा, that will be of 12 marks। dissection minor, छोटा डिसेक्शन होगा जो कि हार्डली 5 से 10 मिनट में आपका पूरा हो जाएगा, वो 5 मार्क्स का होगा। 1 temporary माउंट, एक टेम्प्ररी स्लाइड आपको बनानी होगी, वो कैसे बनेगा मैं बाद में आपको समझाऊंगा, दैट इज 3 मार्क्स। एक परमानेंट स्लाइड बनानी होगी, 1 permanent माउंट, उसके लिए 5 मार्क्स रखे गए हैं। साइटोलॉजी जेनेटिक्स के एक्सरसाइजेज आपको दिए जाएंगे, उसके लिए 5 मार्क्स अलॉटेड हैं। फिर 10 स्पॉट रखे होंगे, म्यूजियम स्पेसमैन हो सकते हैं, स्लाइड्स हो सकते हैं, हर के लिए आपको 2-2 मिनट का समय दिया जाएगा। उसमें आपको यदि होल माउंट है वो या म्यूजियम स्पेसमैन है तो आपको क्लासिफिकेशन लिखना होगा, उस एनिमल को आइडेंटिफाई करना होगा, उसके आइडेंटिफाइंग फीचर्स लिखने बताने होंगे और साथ में उसका डायग्राम बनाना होगा, उसको लेबलिंग भी करनी होगी। तो इस तरीके से 10 स्पॉट्स टोटल 10 नंबर के हो जाएंगे। वाइबा बोशी होगा आपका, वो 5 नंबर का होगा। और प्रैक्टिकल क्लास रिकॉर्ड, जो पूरे साल आप जो भी रिकॉर्ड्स तैयार करेंगे, प्रैक्टिकल करवाया जाएगा आपको, दैट विल बी आल्सो ऑफ 5 मार्क्स। तो इस तरीके से टोटल जो प्रैक्टिकल मार्क्स अलॉटेड हैं वो 50 मार्क्स हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें किस किस सेक्शन में, किस किस क्वेश्चन में क्या क्या रखा जा सकता है और क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, उसको आप कैसे करेंगे। मेजर डिसेक्शन में मेनली आपको या तो पाइला दिया जाएगा, या पैलीमॉन दिया जाएगा, या पेरीप्लैनेटा भी दिया जा सकता है, कॉकरोच, लैमेलिडेंस मींस यूनियो, इनमें से कोई भी एनिमल आपको दिया जाएगा। कोई भी दिया वही जाएगा जो आपको करवाया गया है या करवाया जाएगा। इसमें से चाहे पैलीमॉन हो या पाइला हो, पेरीप्लैनेटा हो, लैमेलिडेंस यूनियो हो, सबका नर्वस सिस्टम यू हैव टू एक्सपोज। नर्वस सिस्टम में मेनली गैंगलियंस आते हैं, कनेक्टिव्स आते हैं और कमिश्योर्स आते हैं, जिनको आपको एक्सपोज करना होगा एनिमल के अंदर ही, उसे बाहर नहीं निकालना होता है। तो इस तरीके से 12 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। नाउ जिस पाइला का नर्वस सिस्टम यदि दिया गया है, आप क्लास रिकॉर्ड्स भी चूंकि आपको तैयार करना है इसलिए मैंने इसमें डायग्राम्स भी जोड़ दिए हैं। पाइला के नर्वस सिस्टम में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये गैंगलियंस दिखाए जा रहे हैं, दिस इज द सेरिब्रोबकल कनेक्टिव इनफैक्ट, एंड दिस इज द सेरिब्रल गैंगलियन, लेफ्ट सेरिब्रल गैंगलियन एंड राइट सेरिब्रल गैंगलियन, देर आर 2 सेरिब्रल गैंगलियंस, दीज बोथ गैंगलियंस आर सिचुएटेड जस्ट ओवर द माउथ, और इन दोनों गैंगलियन को जो कनेक्ट करता है दैट इज टर्म्ड एज सेरिब्रल कमिश्योर। ये काफ़ी थिक नर्व होती है, जल्दी ये टूटती नहीं है, इसको आप आराम से एक्सपोज कर सकते हैं। और ठीक उसके वेंट्रल साइड में यू विल फाइंड प्लूरोपीडल गैंगलियनिक मास, दिस इज द प्लूरोपीडल गैंगलियनिक मास, दिस आर ऑल्सो लेफ्ट एंड राइट प्लूरोपीडल गैंगलियनिक मास, और इनको जो जोड़ता है ये जोड़ा जाता है इस विश्रल गैंगलियन से। तो इस तरीके से सेरिब्रल गैंगलियन और प्लूरोपीडल गैंगलियन और विश्रल गैंगलियन, ये 3 मेन गैंगलियंस हैं। और इसमें से जो डिफरेंट गैंगलियन को जो नर्व कनेक्ट करेगी, जैसे ये दिस इज द प्लूरोपीडल गैंगलियन, दिस प्लूरोपीडल गैंगलियन इज कनेक्टेड बाय द विश्रल गैंगलियन। तो इस तरीके से 2 डिफरेंट गैंगलियंस हैं, इनको कनेक्ट करने के लिए जो नर्व आ रही है, दिस नर्व
इज टर्म्ड एज कनेक्टेड्स। साथ में एक और गैंगलियन, छोटा सा सिंगल गैंगलियन प्रेजेंट होता है, सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंगलियन, और इसको कनेक्ट कनेक्ट करने वाली नर्व को बोलते हैं सुप्रा इंटेस्टाइनल कनेक्टिव, जो कि प्लूरोपिडल गैंगलियन और सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंगलियन से जुटा होता है। इसको निकालने के लिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है, क्योंकि ये एलिमेंट्री कैनाल के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। तो ये डायग्राम आपको कॉपी में ड्रा करना होगा, और यदि एग्जामिनेशन में इसे पूछा जाता है तो उसी के अकॉर्डिंगली इसको आपको एक्सपोज करना होगा, इसके नर्व्स को। यदि यूनियो आपको कराया जाता है क्लास में, तो यूनियो का डिसेक्शन, इसका नर्वस सिस्टम और भी सिंपल है। इसमें मेनली तीन गैंगलियन एक मास है, दिस वन इज पेडल गैंगलियन, दिस इज द सेरिब्रल गैंगलियन, एंड दिस इज द विसरल गैंगलियन, एंड दीज आर द कनेक्टिव्स विच कनेक्ट द डिफरेंट गैंगलियन। लेकिन यूनियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ये आती है कि दिस इज मोर सॉफ्ट, और इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए जनरली इसमें नॉब्स कनेक्टिव्स ब्रेक कर जाते हैं। तो एग्जामिनेशन में मेनली पायला ही आप लोगों को इसलिए प्रेफरेबली आपकी सहूलियत के लिए दिया जाता है। यदि प्राण मिलता है आपको, देन द नर्वस सिस्टम ऑफ द प्राण इज दिस वन, दिस इज द नर्वस सिस्टम ऑफ प्राण। इसमें कुछ एब्डामिनल गैंगलियन ये होते हैं, डिफरेंट एब्डोम सेगमेंट्स में ये एब्डामिनल गैंगलियन प्रेजेंट होते हैं, और दिस इज द यू कैन से थोरेसिक गैंगलियन, एंड दिस इज द ब्रेन सुप्राइसोफेजल गैंगलियन। और यदि आपको कॉकरोच मिलता है, हियर यू विल सी वन ब्रेन, देन थ्री प्रोथोरेसिक गैंगलियंस इन द थ्री प्रोथोरेसिक सेगमेंट्स, प्रोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स एंड मिसोथोरेक्स, एंड दीज आर द एब्डोमिनल गैंगलियंस प्रेजेंट इन द डिफरेंट सेगमेंट्स। ओके, सो इन दिस वे इन चारों में से कोई भी एक आपको दिया जा सकता है फॉर मेजर डिसेक्शन पर्पस। जहां तक माइनर डिसेक्शन के बात है, माइनर डिसेक्शन जो कि 5 नंबर का होगा, इसमें पाइला का आपको रेडोला निकालने के लिए दिया जा सकता है, यूनियो का गिल्ला मिला दिया जा सकता है, पैलिमान का स्टेटोसिस दिया जा सकता है, और पेरिप्लेनेटा हेट्रोनेरिस में से पैरापोडियम आपको दिया जा सकता है। पेरिप्लेनेटा में भी कोई भी चीज, माउथ पार्ट्स या कोई दूसरी चीजें आपको निकालने के लिए दी जा सकती हैं। जनरली आपको रेडला या गिल्ला मिला में से कोई एक दिया जाता है। इसके भी डायग्राम को आप देख लीजिए, दिस इज द पैरापोडियम ऑफ हेट्रोनेरिस और नेरिस, इन बोथ द केसेस पैरापोडियम इज प्रेजेंट, दिस इज द रेडुला एंड यदि आपको पाइला दिया जाता है गिल निकालने के लिए, देन यू कैन सी दैट देर इज अ वेरी लॉन्ग गिल, और इसमें से किसी एक पार्ट को यू कैन कट एंड पुट ओवर द स्लाइड आर इन ए पेट्री डिश फॉर स्विंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग विच विल बी गिवेन टू यू इज दिस, यू कैन से टू टेक आउट द स्टेटोसिस्ट ऑफ प्राण। इसके लिए सबसे पहले आपको एंटीन्यूल को निकालना होगा, और एंटीन्यूल के एकदम बेस पर ये स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है, और जिसको कि यू कैन इजली टेक आउट। परमानेंट माउंट जो कि 5 नंबर का है होगा, इसमें हियर यू हैव टू मेक ए स्लाइट। स्लाइट बनाने के लिए आपको मटेरियल दिया जाएगा, दैट मे बी जेम्यूल हो सकता है, ओवेलिया कॉलोनी हो सकता है, ओवेलिया कॉलोनी मीन्स पॉलिप, नेरिस का आपको पैरापेडियम
कट करके दिया जा सकता है, पेरिटमा का ओवरी दिया जा सकता है या सेप्टल नेफ्रिडिया दी जा सकती है, पैलिमान का स्टेटोसिस्ट आपको निकाल, गिल लैमेली ऑलरेडी आपको कट करके दिया जा सकता है। इनमें से किसी भी चीज़ का आपको एक परमानेंट स्लाइड बनाना होगा। परमानेंट स्लाइड बनाने के लिए सबसे पहले तो यू हैव टू डिहाइड्रेट द मटेरियल इन अल्कोहल। इसका प्रोसेस मैं अपने दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या क्या करना है इसको समझ लें। डिहाइड्रेशन के बाद आपको मटेरियल को स्लाइड पे रखना होगा, स्लाइड के रखने के बाद आपको डीपीएक्स का एक ड्रॉप उसके ऊपर डालेंगे, फिर ऊपर से कवर स्लिप रख देंगे। नाउ यू कैन ऑब्जर्व द योर स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। और इसको कितने भी समय तक के लिए आप रख सकते हैं अपने पास। तो दैट्स वाई दीज स्लाइड्स आर टर्म्ड एज परमानेंट स्लाइड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा दैट इज मेकिंग ऑफ ए टेम्पररी माउंटिंग मीन्स ए टेम्पररी स्लाइड। ये बहुत ही ईजी तरीका है। मटीरियल फिर वही जो परमानेंट के लिए होता है, जनरली वही मटेरियल या कोई दूसरा मटेरियल आपको, जैसे जेमिल है, ओबिलिया कॉलोनी है, नेरिस है, पैरापोडियम है, फिर गिल लैमेली है, माउथ पार्ट ऑफ मेल एंड फीमेल एनाफिल्स क्यूलेक्स मॉस्किटो आपको दिया जा सकता है, माउथ अपेंडिजेस किसी दूसरे इंसेक्ट का भी दिया जा सकता है, सलाइवरी ग्लैंड और हस्टेड प्लेट, कोई भी मटेरियल आपको दिया जा सकता है। इसमें से जो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, जनरली वो मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर मेकिंग द टेम्पररी माउंटिंग। टेम्पररी माउंट में आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है। आप यू हैव टू टेक द मटेरियल, वॉश इट थरोली इन वाटर, पानी में अच्छी तरीके से आप धो लेंगे ताकि उसके साथ किसी भी प्रकार का अटैच्ड मटेरियल ना हो। फिर उसको साइज के हिसाब से अपने, जो कि आपको आराम से इजिली दैट कैन बी ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, उस साइज के हिसाब से कट कर लेंगे और कवर स्लिप के अंदर वो आ जाए और फिर स्लाइड पे रखेंगे। कवर स्लिप रखना वैसे ज़रूरी नहीं होता इसके ऊपर, और इसकी माउंटिंग हम ग्लिसरीन में करते हैं या डायरेक्टली वाटर में, वाटर एक ड्रॉप के साथ उसको स्लाइड पे रखते हैं एंड डायरेक्टली वी कैन ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। लेकिन ये स्लाइड्स लंबे वक्त के लिए नहीं रखी जा सकती हैं, ये घंटे दो घंटे में ख़राब हो जाती हैं। दैट्स वाई दी स्लाइड्स आर टर्म्ड एज टेम्पररी स्लाइड्स। Now the next question will be identify and comment upon the spots। इसमें जैसा आपको बताया कि आपको 10 spots रखे जाएंगे और हर एक spot के लिए आपको दो दो मिनट दिए जाएंगे। दो मिनट में आपको करना क्या होगा कि first of all you have to write its classification, यदि वो whole mount है या museum specimen है। फिर उसके characters लिखने होंगे, उसका diagram लिखना हो बनाना होगा और उस डायग्राम को लेवल भी यदि आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। कैरेक्टर्स सिर्फ वही कैरेक्टर्स लिखेंगे जिसकी वजह से वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये यही ऑर्गेनिज्म है, वो उन कैरेक्टर से प्रूफ होता हो। यहाँ पे मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन लिखना होगा, आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स लिखने होंगे और वेल लेवल डायग्राम बनाना होगा। और यदि स्लाइड है, कोई ट्रांसवर्स सेक्शन है, देन यू हैव टू ओनली ड्रा ए वेल लेवल डायग्राम और उसके करेक्टर्स लिखने होंगे कि क्या क्या चीज़ें उसमें आपको दिखाई दे रही हैं जिसकी वजह से यू आर सेइंग दैट दिस इज द स्लाइड ऑफ आइदर ए ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो आगे ग्रेजुअली वी विल सी इट। अब इसमें जो आपके कोर्स में मेंशनड है उसको मैंने लिख दिया है, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट वही ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, जो कि मैंने ग्रीन से शो किया है। इसलिए सबसे पहले आप कॉपी पे ड्रॉ करेंगे उसका, तो उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को ड्रॉ करेंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही इन्हीं में से कोई एक रखा जाएगा। तो फाइलम प्रोटोजोआ की जहाँ तक बात है, प्रोटोजोआ में से अमीबा इम्पॉर्टेंट है, यूग्लिना, मोनोसिस्टिस, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, ट्रिपैनोसोमा, ये कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके बारे में आपको जरूर जानकारी होना चाहिए। और चूंकि ये थ्योरी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए इस पर आप मटेरियल आपका तैयार होना चाहिए। पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा में साइकॉन इज इम्पॉर्टेंट, साइकॉन में जेमिल इम्पॉर्टेंट है, फिर स्पॉन्ज स्पिक्यूल्स हैं और स्पॉन्जिन फाइबर्स हैं। यू प्लैक्टेला एक इम्पॉर्टेंट
ऑर्गेनिज्म है दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज वेनस फ्लावर बास्केट स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है दिस इज द वनली स्पॉन्ज विच इज प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर यू स्पॉन्जिया विच इज यूज एज बाथ स्पॉन्ज सिलेंट्रेट्स में ऑलरेडी आप हाइड्रा के बारे में पढ़ते हैं ओबेलिया के बारे में मेडिशा इन सब के बारे में पढ़ते हैं आप ऑरेलिया फाइशेलिया पोर्तुगीज आप पोर्तुगीज मैनाफार जिसको बोलते हैं पेनाट्यूला सी पेन जिसको बोलते हैं दीज आर सम इम्पॉर्टेंट एनिमल्स जिनका कि आपको डायग्राम क्लासिफिकेशन आइडेंटिफाइंग फीचर्स आपको याद करने होंगे। इसमें से कुछ का मैं ऑलरेडी आपको पिक्चर भी शो कर दे रहा हूँ ताकि आपको पहचानने में किसी तरीके की दिक्कत ना हो। दिस इज द यूग्लिना आप इजीली जान सकते हैं कि इसमें आपको ग्रीन कलर्स के क्लोरोप्लास्ट विजिबल होंगे। ये पैरामीशियम का डायग्राम है पैरामीशियम का होल माउंट यदि होगा तो कुछ इस प्रकार से आपका दिखाई देगा। इसमें सारे स्ट्रक्चर्स कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल लार्ज न्यूक्लियस स्मॉल न्यूक्लियस ये दीज आर द फूड वैक्यूल्स ये दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं ये दिस इज द यू कैन से वेस्टिब्यूल and through which the food materials are taken inside and these are the small cilia which is present throughout the body of paramecium. This slide is showing the binary fission. Binary fission इन केस ऑफ पैरामीशियम हियर यू आर सीइंग कि दोनों न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो रहा है और ये है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो पैरामीशियम ऑलरेडी दे आर एक्सचेंजिंग दे आर स्मॉल न्यूक्लियस बाय ज्वाइनिंग विद ईच अदर दिस इज ये दोनों स्लाइड्स पे रखे जा सकते हैं एंड दिस इज द ट्रिपैनोसोमा ब्रुशाई स्लाइड यदि पोरिफेरा के हैं तो इसमें ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी आई टोल्ड यू स्पॉन्जिला कुछ इस तरीके की विजिबिलिटी है यू स्पॉन्जिया साइकॉन साइकॉन का ये डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर भी है दिस इज द यू प्लैक्टेला वेनस फ्लावर बास्केट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिमेन और ये जनरली एग्जामिनेशन में रखा जाता है दिस इज द पेनाट्यूला एंड दिस इज पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर फाइसेलिया दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट स्पीसीज विच इज जनरली पुट इन योर एग्जामिनेशन और इसका डायग्राम भी आप जरूर बना लीजिएगा अपनी कॉपी पे। ये है पॉलिप यू कैन सी every cycon has two stages okay polyp and medusa stage this is the medusa here you can see this is the medusa stage means this has locomotory organs through which it can move from one place to another and this polyp stage is sessile it is fixed at one place just like plants and this is the gemmule jo aapko piche maine bataya ये एक स्फेरिकल बॉल लाइक बहुत ही सरसों के दाने के साइज का होता है और इसको जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे यू विल फाइंड द क्लियर कट स्ट्रक्चर जस्ट यू आर ऑब्जर्विंग हेयर इन दिस डायग्राम एंड दीज आर द स्पिक्यूल्स ये ट्राइरेडिएट स्पिक्यूल है इट इज मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के स्पिक्यूल्स स्पॉन्जेस में मिलते हैं जिनको कि आपको जानना होगा ओके जो नेक्स्ट फाइलम है दैट इज प्लेटीहेलमेंथिस प्लेटीहेलमेंथिस में सबसे इंपॉर्टेंट है फेशियोला देन टीनिया और प्लेनेरिया इकाइनोकोकस और सिस्टिसर्कस के भी डायग्राम्स आप बना लेंगे देन इन निमेटोहेलमेंथिस एस्कैरिस एनिलिडा में नेरिस और हेट्रोनेरिस फेरिटमा मीन्स अर्थवर्म हेट्रोनेरिस ऑलरेडी आई टोल्ड यू आर्निगोला एफ्रोडाइट बोनेलिया जनरली ये बोनेलिया ये स्लाइड में आपको रखा जाता है देन अर्थोपोडा अर्थोपोड्स में पैलीमॉन
पेरीप्लैनेटा, कॉकरोच, एनाफिल्स, क्यूलेक्स, जिनसे आप ऑलरेडी मच्छरों से ऑलरेडी आप परिचित हैं, देन द डेफनिया, साइक्लोप्स, इपागुरुस, सेकुलाइना एंड नोप्लियस एंड जोइया, दीज आर द लार्वल स्टेजेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन थियरी और प्रैक्टिकल दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ये लिवर फ्लूक का स्ट्रक्चर है। दिस इज द एक्सटर्नल अपियरेंस ऑफ द लिवर फ्लूक, दिस इज द इंटरनल ऑर्गन डायग्राम एंड दिस इज अनदर डायग्राम ऑफ द लिवर फ्लूक विच इज शोइंग द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ द लिवर फ्लूक। इन तीनों ही डायग्राम्स को आपको बनाने होंगे। देन जहां तक टीनिया टेपवर्म की बात है, ऑलरेडी इसकी इंपॉर्टेंस को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। दिस इज द होल टेपवर्म, इट इज अ वेरी लॉन्ग पैरासाइट। ओके, और इस पैरासाइट को थ्री डिफरेंट रीजन्स में बांटा जाता है। वन इज स्कोलेक्स, माउथ पोर्शन। हियर दिस स्कोलेक्स में भी सकर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके से कि आपके ये एलिमेंट्री कैनाल से अटैच होता है। देन रोस्टलम होता है और हुक्स होते हैं साइड में दो अलग अलग प्रकार के। नेक रीजन इसकी होती है, नेक के जस्ट नीचे इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स होंगे, हियर यू कैन सी। देन मेच्योर प्रोग्लॉटिड्स, मेच्योर प्रोग्लॉटिड्स मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। हियर दिस इज द डायग्राम ऑफ मेच्योर प्रोग्लॉटिड। यहाँ पे हियर यू सी द फर्टिलाइज्ड एग्स इन द यूट्रस, दिस इज द ओवरी। ओके, दिस इज द कॉमन गोनोपोर। नाउ आफ्टर सर्टेन इस डेवलपमेंट ऑफ द एक्स, हियर यू फाइंड द इन द लास्ट स्टेज ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स, दिस इज द डायग्राम ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड। इसमें यूट्रस वेल डेवलप्ड होता है, बाकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स धीरे धीरे दे गेट रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी और फाइनली ये प्रोग्लॉटिड्स ग्रेजुअली कट करके ये निकलते चले जाते हैं। दीज प्रोग्लॉटिड्स आर टर्म्ड एज ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एस्केरिस भी अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। एस्केरिस में फीमेल और मेल दो एस्केरिस, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बहुत ही क्लियर कट होता है। मेल में मेल को जब आप मेल एस्केरिस को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये नीचे से कॉर्ब्ड होगा, हल्का सा कॉर्ब्ड होगा और यहाँ पे पिनल सेटी दो प्रेजेंट होंगे टेल रीजन पे। और जबकि फीमेल एस्केरिस जनरली इट इज लॉन्गर देन द मेल, मीन्स लंबाई में ये बड़ी होती है और इसमें एनस एरिया में या टेल एरिया में किसी प्रकार की कोई कर्विंग नहीं होती, दिस इज स्ट्रेट। तो इस तरीके से मेल और फीमेल को यू कैन इजली डिफ्रेंशिएट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज नेरिस इन एनिलिडा, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्पीसीज। दिस इज फाउंड इन मैराइन इन्वायरमेंट, इन मैराइन वाटर्स, और इसमें दो फेजेस होते हैं, एक नेरिस और हेट्रोनेरिस। हेट्रोनेरिस में पूरी बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है जिसमें कि पैरापोडिया जनरली ओर शेप्ड हो जाते हैं या काफ़ी बड़ी बड़ी पैरापोडिया हो जाती हैं, ब्रॉड ब्रॉड हो जाती हैं, और इस रीजन को बोलते हैं इपिटोक रीजन और सेक्शुअल रीजन। और फ्रंट के कुछ सेगमेंट्स जिसमें कि पैरापोडिया नॉर्मल साइज की होती हैं उसको हम बोलते हैं ए टोक और नॉन सेक्सुअल रीजन। तो इस तरीके से यू कैन इजली डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेट्रोनेरिस एंड नेरिस। और पैरापोडिया जो बार बार आ रहा है आपको, दिस इज द पैरापोडिया विच इज प्रेजेंट इन बोथ द फेजेस। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी फंक्शंस और उसमें से रेस्पिरेशन है, लोकोमोशन है, दैट्स वाई दिस पैरापोडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ ऑफ दिस नेरिस एंड हेट्रोनेरिस। अर्थवर्म ऑलरेडी से आप परिचित हैं
और इसके बारे में मुझे ज्यादा बताना नहीं है। दिस इज द वेंट्रल व्यू ऑफ द अर्थवर्म एंड दिस इज द डॉर्सल व्यू ऑफ द अर्थवर्म। नाउ दिस एनिमल बोनेलिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोनेलिया यदि रखा जाएगा तो ये स्लाइड होगा। बोनेलिया की इंपॉर्टेंस ये है कि हियर द फीमेल इज वेरी लार्जर इन साइज, इट इज इजली विजिबल विद योर नेकेड आइज। लेकिन मेल, दिस मेल इज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एंड इट इज प्रेजेंट इन द यूट्रस ऑफ द फीमेल। फीमेल के यूट्रस में ये बोनेलिया, मेल बोनेलिया इज प्रेजेंट, मीन्स दिस इज अ टाइप ऑफ एडॉप्टेशन। दैट्स वाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। प्रॉन ऑलरेडी आप मार्केट में देखते रहते हैं, कई लोग इसे खाते भी हैं और इसके बारे में आपके थ्योरी में भी आप काफी कुछ पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसका डायग्राम आप ड्रा कर लेंगे। दीज आर द मॉस्किटोस, दिस इज द गिलेक्स मॉस्किटो एंड दिस इज द एनाफिल्स मॉस्किटो। दोनों के स्लाइड्स को जब आप देखेंगे, बाय ऑब्जर्विंग द एंटीना ऑफ बोथ दीज यू कैन डिफ्रेंशिएट बोथ दीज स्पेसीज इजली। मॉस्किटो स्पेसीज, ये ब्रशी ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है एंटीना का इन क्यूलेक्स, और जबकि एनाफिल्स में दिस इज क्वाइट शार्प। और सबसे दिस इज द क्यूलेक्स एंड दिस इज द एनाफिल्स। हियर यू कैन सी कि माउथ और एंटीनी ये सब के सब एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं एनाफिल्स में, और जबकि क्यूलेक्स में ये एक एंगल बनाते हैं। एब्डोमिनल और माउथ एक में है और ये एंटीनी 90 डिग्री या यू कैन से 120 डिग्री का एंगल बना करके ये बैठता है। सेकुलाना पैरासाइट्स सर्वाइव्स इन द एब्डोमिनल रीजन ऑफ क्रैब। दैट्स व्हाई दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट parasite, and these are the larval stages. This is the nauplius larva of arthropoda and this is the zoea larva. Okay, these are very two important larval stages of arthropods. Now the next phylum is mollusca and echinodermata. This one is the last phylum of invertebrates. Mollusca में lamellidens के कुछ slides आपको मिलेंगे, और this is the glucidium larva. This is again very important larva. Already मैं आपको बता चुका हूँ कि gill lamellae और ospheridium important है, फिर chiton, pterido, turbinella, aplasia, dentalium, nautilus, sepia and margaritifera. This is the termed as pearl oyster, जिससे कि मोती बनती है। वो कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसीज हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। इकैनोडर्म में मेनली पेंटासिरस, पेडिसिलेरिया पेंटासिरस में प्रेजेंट होते हैं, देन इकाइनस, ऑफियोथेरिक्स, होलोथूरिया और एंटीडर्म। ये कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं जिनको कि आपको देखना होगा, इसका क्लासिफिकेशन याद करना होगा, डायग्राम बनाना होगा। मिलीपीड्स, दिस इज एन अर्थोपोड और दिस इज सेंटीपीड। दोनों में डिफरेंस ये है कि मिलीपीड में हर सेगमेंट में, हियर यू कैन सी देयर आर टू पेयर ऑफ लेग्स, एंड इन सेंटीपीड्स हियर यू विल ऑब्जर्व इन ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट में ए सिंगल पेयर ऑफ लेग्स विल बी प्रेजेंट। These are again certain arthropods which are very important. This is the bed bug, Simex. This is the human louse, जो सर में आपके ढील पड़ती है, pediculus. And this is the termite. Again, this is a very important insect, though it is harmful. कभी कभी आपको पूरी लाइफ साइकिल पे कमेंट करना होता है, जैसे सिल्क वर्म की लाइफ साइकिल है, मीन्स सिल्क के सारे स्टेजेज
आपको रख दिए जाएंगे और उनकी पूरी लाइफ साइकिल पे कमेंट करना होगा। दिस इज द सिल्क लार्वा, दिस इज द कोकून, ओके, एंड दीज आर द एडल्ट इंसेप्ट्स, मेल एंड फीमेल, एंड दीज आर द एग्स विच इज लेड ऑन द मलबरी लीव्स, ओके। मोलास्का में मेनली जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज है वो है अप्लेसिया, देन डेंटेलियम, दिस इज द डेंटेलियम, दे इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया जा रहा है और ये एक्सटर्नल व्यू है, एंड दिस इज द सीपिया, ओके, एंड दिस इज द टेरिडो विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज सिपवार। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी दिखाया जा रहा है, तो इन चारों स्पीसीज में से कोई भी रखा जा सकता है और ये सब थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। फिर इकानोडॉम में से दिस इज द पेंटासेरास, ओके, पेंटासेरास का दिस इज द ओरल व्यू एंड दिस इज द ओरल व्यू। ओरल व्यू मीन्स वेयर माउथ इज प्रेजेंट, एबोरल व्यू एनस इज प्रेजेंट। This is the holothuria. Again, this is an echinoderm. This is the antiderm, sea pen, which is also termed as, and this is the echinus. Echinus में Aristotle lantern सबसे important organ present होता है. That's why echinus has its importance. Then cytology genetics की जहां तक बात है, इसमें generally आपको या prepared slides दिखाई जाती हैं कि इंटरफेज सेल्स के या माइटोटिक डिवीजन फेज के सेल्स के, वो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज कोई भी हो सकता है, मियोटिक डिवीजन की स्लाइड्स दिखाई जाएंगी, मिटोसिस मियोसिस या कुछ जॉइंट क्रोमोजोम जैसे पॉलीथिन क्रोमोजोम है उसकी स्लाइड्स भी दिखाई जा सकती हैं। यदि समय मिला तो ओनियन रूट टिप का माइटोसिस प्रिपरेशन भी आपको बताया जाएगा। वाइबा आपको पता है कि इसमें आपको एग्जामिनर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, दो 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 चार चार मिनट सबको, क्योंकि चूंकि आपकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो 5 मार्क्स के ये वाइबा होगा और 5 मार्क्स का जो क्लास रिकॉर्ड। क्लास रिकॉर्ड में जितना मैं ये सारी चीज़ें आपको बताया हूँ सबका हर एक एक आप बायोलॉजी प्रैक्टिकल फाइल बना लीजिए और उस पर ये सारे डायग्राम्स और कमेंट्स लिख डालिए। कमेंट्स में मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि यदि म्यूजियम स्पेसिमेन है या होल माउंट है तो उसका क्लासिफिकेशन देंगे, उसके आइडेंटिफाइंग फीचर्स लिखेंगे कम से कम 8 से 10 और डायग्राम बनाएंगे वेल लेबल्ड। और यदि कोई स्लाइड है जैसे ट्रांजवर्स सेक्शन है किसी चीज़ का, लॉन्गिट्यूड जैसे अभी आपको बताया मैं कि ये जेम्यूल की स्लाइड है तो वहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन नहीं लिखना होगा, वहाँ पे सिर्फ डायग्राम बनाना होगा और जेम्यूल के फीचर्स, आइडेंटिफाइंग फीचर्स आपको लिखने होंगे, ओके। जब आप एग्जामिनेशन देने के लिए आएंगे तो उस समय आपके से कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, डिसेक्शन बॉक्स होना चाहिए, पेन होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, रबर होना चाहिए, ड्रॉपर होना चाहिए क्योंकि ये स्लाइड बनाने के लिए बहुत हेल्प करेगा, ब्रश भी उसी काम में ज़रूरत पड़ेगी। तो इतने सारे सामान आप एग्जामिनेशन के दिन जिस दिन आएंगे उस दिन अवश्य आपके पास होने चाहिए। क्योंकि ये कोविड का पीरियड चल रहा है इसलिए यू मस्ट हैव ए मास्क ऑन योर फेस, सैनिटाइजर्स आप अपना रखेंगे और अपने हाथ को साबुन से कंटिन्यूअसली वॉश करते रहेंगे जिससे कि किसी प्रकार के इन्फेक्शन के चांसेस को हम लोग रिड्यूस कर सकें। अब मैं आपको सिर्फ यही कह सकता हूँ, थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।